The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने संदेश खाली से तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मीना खान से तड़के गिरफ्तारी के बाद शेख को सुबह 10:40 पर बशीरहाट की अदालत में पेश किया गया। राज्य पुलिस ने शेख को 14 दिन की हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले टीम कई दिनों से शाहजहां शेख की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। शेख को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खली से लगभग 30 किलोमीटर दूर मीना खान में एक घर से गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संदेश खाली में 5 जनवरी को लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर उस वक्त हमला कर दिया था, जब वो राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसर पर छापेमारी के लिए गए थे। ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया था। शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेश खाली इलाके के लोगों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन भी किया था। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय महिलाओं ने मनाया जश्न। शाहजहां शेख के खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया था। शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय महिलाओं ने जश्न मनाया। वहीं संदेश खाली विवाद में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बीच ममता बनर्जी ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया है। ममता सरकार ने शाहजहां शेख के खिलाफ सीआईडी जांच की भी बात कही है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।